और बड़ी खबर आपको बताएं, इज़राइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे जुड़ी हुई अहम खबर मिल रही है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे युद्ध में इज़राइल की तरफ से अब फास्फोरस वाले बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इज़राइल सफेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है और ये बहुत घातक होता है। फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप अब इज़राइल के ऊपर, ये भी कहा जाता है कि फास्फोरस बम तो लोगों की हड्डियां तक गला देता है और अब उसी का इस्तेमाल इज़राइल की तरफ से हमास के ठिकानों के ऊपर किया जा रहा है। इसी के साथ जो मरने वालों का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है, जख्मी लोगों का आंकड़ा भी हर पल बढ़ रहा है। Congratulations. हर स्तर पर अमेरिका इज़राइल की मदद के लिए तैयार है और कैसे हथियारों का जखीरा अब अमेरिका ने इज़राइल पहुंचाया है। अब इसके बाद अनुमान यही है कि और ज्यादा हमले तेज होने वाले हैं इज़राइल के हमास के ऊपर। और तीन बार अब तक फोन पर बात भी हो चुकी है जो बाइडेन के साथ इज़राइल के प्रधानमंत्री की। इसराइल और फिलिस्तीन की जंग में जहां हमास के समर्थन में तमाम देश आए हैं, वहीं इसराइल पर अलग अलग तरीकों से हमलों को अंजाम दे रहे हैं। वैसे इसराइल के साथ अमेरिका आ चुका है और समंदर के रास्ते अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहुंचा चुका है। आपको बताते हैं कि इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में कौन कौन से जंगी जहाज है और वो किस रास्ते से भूमध्य सागर में पहुंचे हैं। अमेरिका जो जंगी जहाज पहुंचा रहा है, इसराइल वॉर में अमेरिका की एंट्री हुई और कैसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में एयरक्राफ्ट कैरियर ज़ेपेलिन R-4 CVN-78 ये एक यहां से पहुंचाया गया और यहां से एंट्री हो रही है। देखिए ये इस तरीके से जो है इसराइल तक पहुंचाया जा रहा है। तो अगला टाइकोंड्रोगा क्लास क्रूजर USS नॉर्मेंडी CG-60 एक ये जो है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ये पहुंचाया गया। अलीबर्ग क्लास विध्वंसक USS रेमेज, ये सारे जो है चीजें पहुंचाई जाएंगी ताकि इसराइल को इस पूरे युद्ध में मदद मिल सके। वेपन्स पहुंचाए जा रहे हैं, इस तरीके से ये स्ट्राइक ग्रुप्स पहुंचाए जा रहे हैं USS मैकफॉल, और ये अमेरिका के लिए भी अच्छा है। देखिए इसमें ये भी समझना होगा कि ये अमेरिका की भी एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि जैसे ही जंग में इसराइल पहुंचा है वो यहाँ बड़े बड़े हथियार ये कैरियर स्ट्राइक्स अगर खरीदेगा या ये पहुंचाएगा तो अमेरिका का कहीं ना कहीं दबदबा बनेगा, उसकी भी इकॉनमी आगे बढ़ेगी। तो USS थॉमस हनर DDG-116 तो ये इसराइल को मदद पहुंचाई जा रही है अमेरिका की ओर से और तीन बार अब तक फोन पर बातचीत हो चुकी है। खुला अमेरिका कह रहा है साथ हम इसराइल के खड़े हुए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फिर बातचीत की है। नेतन्याहू ने जो बाइडेन से तीसरी बार फोन पर बात की और इसराइल के साथ खड़े होने पर अमेरिका का धन्यवाद उन्होंने दिया। नेतन्याहू ने हमास की बर्बरता की जानकारी जो बाइडेन को दी है। नेतन्याहू ने ट्वीट किया है और जानकारी ये दी है कि मैंने जो बाइडेन को बताया कि हमास ISIS से भी बदतर है। हमास ने बच्चों महिलाओं पर अत्याचार किया, ये तमाम बातें हैं। जब नेतन्याहू की जो बाइडेन से फोन पर हुई तो उन्होंने ये जानकारी दी और ISIS से न सिर्फ तुलना की है बल्कि ये कहा कि ISIS से भी बदतर हमास है, क्योंकि जिस तरह से क्रूर तरह से हिंसक तरह से वो निशाना बना रहा है इसराइल के आम नागरिकों को, वैसा तो शायद ISIS भी नहीं करता। जंग से किसी का भला नहीं हो सकता, ये दुनिया जानती है। इस एक हफ्ते के भीतर कम वक्त में ही इसराइल और फिलिस्तीन दोनों ही ने अपने कई जवानों को खो दिया है। अब हम आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं और समझाते हैं और बताते हैं आंकड़ों के जरिए कि कहां कहां कितना नुकसान है। फिलिस्तीन की बात करते हैं तो जो मौत का आंकड़ा फिलिस्तीन में है वो 850 पहुंच चुका है। जख्मी यहां पर 4000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं, 4360 से ज्यादा का आंकड़ा है। अब हम इसराइल की बात करते हैं, गाजा पट्टी की अगर अकेले की बात कर ले 705 मौतें हो चुकी हैं, जख्मी 4000 लोग हो चुके हैं। वेस्ट बैंक की बात करिए जो है 17 लोगों की मौत हो चुकी है, 90 जख्मी हो चुके हैं। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि जंग जब जब हुई है तब तब अपने साथ में इसी तरीके के आंकड़े लेकर आई है। जंग किसी का कभी भला नहीं कर सकती है। इसराइल में देखिए 900 मौतें हो चुकी हैं, 2600 से ज्यादा लोग जो है जख्मी पड़े हुए हैं। तो जंग से भला किसी का नहीं हुआ, हर देश जो है अपने जवान खोता है। जंग भले ही वर्चस्व के लिए लड़ी जाए लेकिन देखिए नतीजा क्या होता है ये आपके सामने। इसराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है, हमले में कई इमारतें इस वक्त तबाह हैं। गाजा में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि इसराइल में 1200 लोगों की मौत की इस वक्त खबर। तो इसराइल की स्थिति इस वक्त हम आपको बता रहे हैं।
बल्कि पूरी रात इसराइल ने हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी की। पूरी रात इसराइल ने हेलीकॉप्टर और मिसाइल शिप के जरिए इसराइल पर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में हमास के मिलिट्री कमांडर के घर पर ही हमला कर दिया गया। इसराइल के इस भीषण हमले से हमास के ठिकानों पर हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि हमास की ओर से भी जवाबी हमले जरूर तेज कर दिए गए हैं और इन हमलों के बीच अब इसराइल पर सफेद फास्फोरस वाले बम के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। यूक्रेन युद्ध में भी रूस पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का ऐसा ही आरोप लगा था।